सहना वो सहन भुन सह वींक तेजस्वीतमस्तु मिषाह शांति 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 काशि का कक्षा बाईस प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ उरण रपरा सूत्र चलेगा उन रपरा सूत्र में री का रूप है ये री के स्थान में अण प्रसजमान ही रपर हो जाता है ये सूत्रार्थ है यहां पर ये समझने की बात है कि दो बार स्थाने की नृति यहां पर जोड़ते हैं री स्थाने अण स्थाने रपरो भवती उसे क्या लाभ मिलता है री के स्थान में एक तो विधो परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे परिभाषा जो होती है वो विधि सूत्र में आती है अनुवाद में नहीं आती तो री के स्थान में जो अण है ना ये सूत्र के द्वारा विधान नहीं होता विधान तो किसी दूसरे सूत्र से होता है इसका केवल अनुवाद मात्र पुनः कथन मात्र कर रहे हैं री के स्थान में अण ये पुनः कथन मात्र कर रहे हैं री के स्थान में अण का ये सूत्र विधायक नहीं है ये सूत्र तो केवल बता रहा है री के स्थान में जो अण होता है वहां क्या करना है वहां क्या वहां की परिस्थिति को उठा करके केवल हमारे सामने रख रहा है कि री के स्थान में अण फिर दोबारा स्थान शब्द की अनुत्ति करके प्रसजमान ये अर्थ ले रहे स्थान शब्द का स्थान प्रसंगवाची होता है तो अण की प्राप्ति होते होते ही ऐसा अर्थ हो जाता है अण की प्राप्ति होते होते ही वो रपर हो जाता है ऐसा इस सूत्र का अर्थ है रिस्थाने अण स्थान अण एव रपरों बोलती वो सप्तमी को प्रथम बदल लेंगे एक तो री के स्थान में अण की प्राप्ति ये अर्थ होगा प्रसंग का तो अर्थ प्राप्ति ही होता है तो री के प्रसंग में अण प्रसज्यमान एवं रपय अर्थ ऐसा किया भी है री के स्थान में अण प्रसजमान ही रपर हो जाता है पद्म लिखा है कि दो स्थान ग्रहणों की अनुवृत्ति से ऐसा हो गया एकम स्थाने यो अण विधीयते इति अनुवादे भी स्थान संबंध लाभ अनुवाद में भी स्थान का संबंध बनाने के लिए एक स्थाने की अनुवृत्ति है द्वितीय तो सो अण प्रसंग प्रसज्यम अवस्थाया में रपरोपरत्व से काल विधान्थम कालावधारण के लिए कि वो जो अण होता है वो प्रसंगे एवं प्रसज्यमान अवस्था में ही होता है तो इन्होंने तो दोनों जगह सप्तम्यंत ही मान लिया कि री के स्थान में अण प्रसंग अवस्था में ही मानी प्रसज्यमान अवस्था में ही रपर हो जाता है काल का अवधारण कर रहे हैं कि डिले नहीं होती देर नहीं होती अण प्रसंगे एवं अण जब हमने कहा कि रेगे स्थान में जो है विधियते क्रिया अध्यार कर ली रेगे स्थान में यो अण विधीयते तम भवती स अण प्रसज अवस्थाया में सूत्रार्थ बनेगा ठीक है किसी को कुछ शंका इसमें ये भी थोड़ा सा में स्थान में यद्यपि तालवादी स्थानवाची है फिर भी यहां पर यहां पर उसको प्रसंगवाची ही समझना होगा वहां पर तो ये तालवादी स्थानवाची है लेकिन यहां प्रसंगवाची स्थान शब्द को ले लेंगे तो देखिए कर्ता हर्ता क्री को गुण प्राप्त हुए तो कितने अक्षर प्राप्त होंगे अ ए ओ तीन वर्ण प्राप्त हुए उनमें से अणरपर हो जाता है अणकार्त हुआ जो ए ओ है वो अण में नहीं आते इसलिए वो छूट जाएंगे करता तीन वर्णों में से एक रपर हो गया उदाहरण की बात मैंने कही कि प्रसजमान अवस्था में ही प्राप्ति अवस्था में अण की जैसे ही प्राप्ति होगी वैसे ही वो रपर हो जाता है काल का उदाहरण कर दिया तो इसलिए फिर आर बन गया और अंतरतमा लग करके उन तीनों में से एक छांट लिया पूर्ण रपरा ने क्या किया कि री के स्थान में अण जो विधान किया जाता है वह अण प्रसज अवस्था में रपर हो जाता है रपर हो गया अर ए ओ बन गया फिर इन तीनों में से हमें एक को छांटना है तो स्थानीय से अर को छांट लिया जाएगा जो अंतरतम है स्थान में प्राप्त हो रहे आदेशों में से जो अंतरतम है वो हो जाएगा री के स्थान में अण जो किया जाता है वो प्रसज्यमान अवस्था में रपर हो जाता है हो गया रपर तो अर हो गया फिर स्थानीय अंतरतमा इन तीनों में से अर को छांट लिया स्थान में जैसे री का मूर्धा है केवल और जो अर है उसका कंठ और मूर्धा है तो उन तीनों में से एक को ऐसा नहीं दिया ना स्थानीय अंतरतमा में कि पूरा का पूरा मिलना चाहिए प्राप्यमाण जो आदेश है उनमें से जो अधिकतम सदृश है प्राप्यमाण आदेशों में से जो अधिकतम सदृश है।, है वो ले लिया जाता है तो यहां करता हर्ता कीर्ति जैसे क्री विक्षेपे धातु है रीति धातु इत्व होता है रीति धातु से जब इतु करेंगे तो वो इत्व रफर हो जाएगा किर बन गया यहां तो कुछ बात है ही नहीं सीधी सी री को ई कर रहे हैं तो ई को रफर हो गया और मातुरा दो माताओं का तीन माताओं का पत्योस है दि ओस मात्री ओस अण अण प्रत्यय संख्या संभद्र पूर्व आया मात्री शब्द को उकारादेश होता है संभद्र संख्या पूर्व में हो तो संख्यापूर्वक है मातुरु संख्या सम्भद्रपुर्वातु मातु उकारादेश अण ही तो अण के पर रहते मातृ को उकारादेश करेंगे तो मातु और री के स्थान में अण रफर हो जाता है तो मातुर और आदि तद्धित में तेणित प्रत्यय परे हो तो अचू में आदि वृद्धि हो जाती है द्वी माथुर बन गया त्रय माथुर बन गया उ किम तो उत्तर देते हैं आगे खेयम री के स्थान में अण रपर होता है धातु को न के स्थान में ई हो रहा है री के स्थान में यदि हम नहीं कहते और यू कह देते किसी के स्थान में भी जब अण होता है तो वो रपर हो जाता है तो यहां पर भी ई जो आदेश ई आदेश किया खन को तो ये भी रफर हो जाएगा तो हमारा रूप खेयम रूप जो चाहते वो नहीं बनेगा इचे खना का अर्थ होता है क्या प्रत्यय होता है ई आदेश होता है फिर आद गुणा से खेय बन जाता है ऐसे ही इसी तरह से ये गेम में गाद आतु है से ई होता है आ को ई होता है ये भी रपर होने लगेगा अण ग्रहणम किम सूत्र में अण क्यों पड़ा री स्थाने अण अण रपती क्यों पड़ा बोले सुधातु रकंग से अणरपर होता है अण और अन के समुदाय को अण नहीं कहेंगे जैसे सुधातु रकंग में जो अकंग आदेश हो रहा है ये अकंग आदेश सुधात्री शब्द को होता है गिचे से गिंच से री को स्थान में अकंग होता है वो पर नहीं होगा क्योंकि वो अण अन का समुदाय है हाँ जी बोलिए ये गुरु जी जो अण को रपर कर रहे हैं तो अर और या इर होगा हुँ? तो ये तो अनिकाल हो जाएगा तो क्री धातु के पूरे पूरे के स्थान में बैठना चाहिए वो तो उसको बोलते हैं जब री के स्थान में वो आता है ना री के स्थान में जब आता है स्थानीय आदेश भाव से तब वो उसको रपर कर रहे हैं प्रश्न तो ठीक है आपका कि वो अनेकाल हो जाएगा फिर अनेकाल से सर्वस्व पर री के स्थान में तीनों आ गए और फिर रपर हुआ है फिर वो सर्वादेश कैसे होगा जब आकर के बैठ ही गया री की जगह अ ए ओ ये तीनों आकर के बैठ गए तीनों आकर के बैठ गए अभी जी थोड़ी देर के लिए इस तरह से प्रक्रिया सेट करनी पड़ेगी कि री के स्थान में तीनों आकर बैठ गए तीनों एक ऐसे बैठ गया अलग अलग फिर उसमें से को रिया कर दिया अर कर दिया फिर ये तीन तो एक जगह प्रयोग करने नहीं बारी बारी से एक जगह आ गए तो फिर बारी बारी से होने लगे तो स्थानीय अंतरता तो फिर स्थानीय लेंगे, नहीं तो प्रश्न तो ठीक बना है कि भाई री के स्थान में जैसे ही रपर कर दिया तो रपर करते ही वो अनेकाल बन गया और अनेकाल बन गया तो फिर वो इनका प्रश्न ये है कि री के स्थान में आदेश एकल वाला आदेश हो तो अंतिम अल को होता है अनेकल वाला आदेश हो तो फिर संपूर्ण को होना चाहिए अनेक अल वाला आदेश है ये तो इसका उत्तर तो फिर इसको बोलते हैं क्रम से जैसे चलेंगे नहीं सक्रिय भी नहीं इसको बोलते हैं अनुपूर्वी से एक के बाद एक जब कार्य देखेंगे जैसे वहां पर भी कहते हैं आज विचार करते हैं कि ये जी के स्थान में जब नल आदेश करते हैं तो नल का तो अनुबंध हटा करके देखते हैं ना एकाल तो एकाल नल को एकाल कहें कहें, ना अनुबंध कृतम अनेकाल तो अनुबंध के द्वारा निकालता होती नहीं एकाल है तो फिर वो अंतिम क्यों नहीं होता तिप के इकार की जगह होना चाहिए जब एकाल है तो तो उसका उत्तर यही दिया जाता है कि आनुपूर्वी से सिद्ध हो जाएगा कैसे अनुपूर्वी निर्णय की जो इत संजय है ना नल के निर्णय की इत संजय चुटू से करोगे ना प्रत्यय के आदि प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग की संजय होती है प्रत्यय संज्ञा कब हो जब वो आदेश हो जाए और आदेश भी संपूर्ण के स्थान में हो जाए यदि एक अवयव के स्थान में वो आदेश होगा आदेश एक अवयव के स्थान में आदेश होगा तो उसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी तो वो नहीं हो अनेकाल नहीं, हो तर, नहीं, हो अनेकाल नहीं हो तो वो होगा अनेकाल नहीं होगा इत संज्ञा नहीं होगी और इत संज्ञा नहीं होगी तो वो अनेकाल होगा अनेकाल होगा तो सर्वादेश होगा सर्वादेश होगा तो प्रत्यय संज्ञा होगी प्रत्यय नहीं नहीं एक अनुपूर्वी में जब देखेंगे तो इतरित राष्ट्र है नहीं, इसको यूं देख रहे हैं कि जब अनेकाल होगा तो सर्वादेश होगा सर्वादेश होगा तो प्रत्यय संज्ञा होगी प्रत्यय संज्ञा होगी तो इत संज्ञा होगी इत संज्ञा होगी तो हमारा काम बन चुका है पहले ही अंत्य स्थान नायम प्रत्यय्याद अंत के स्थान में यदि होगा तो ये प्रत्यय नाम ही नहीं पड़ेगा और असत्याम प्रत्यय संजय इत संज्ञा न और असत्याम इत लोपो न सियात और असति लोपे अनेकाल, अनेकाल यदा अनेकाल तथा सर्वादेशा यदा सर्वादेशा तथा प्रत्यय यदा प्रत्यय संज्ञा प्रत्यय संज्ञा तथा इत यदा इत संज्ञा तथा लोप एक कार्यों का एक क्रम है ना इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया भी है न्यास ने इस बात उठाई कि अनेक कालत्वाद सर्वादेश प्रसर्जित नए सदोषा एकदम तरती निर्देश करो तो जे सर्वादेश नवती इन्होंने तो एक ज्ञापक बना दिया कि जो तरती निर्देश किया ना आचार्य ने चार चार पांच में तो आचार्य के तरती निर्देश से हमें दिशा मिलती है कि ये अर् जो है वो सर्वादेश नहीं होता है ये तो इनका समाधान है तरती जो है इन्होंने कोई लिंग ढूंढ लिया पर ये जो समाधान है मैंने जो दिया ये भी एक माना जाता है यहां पर जो दूसरी बात है कि सौ की जो है ना अकंग जो हुआ है अकंग इसको रपर क्यों नहीं होता सौ की को रबर क्यों नहीं होता है अकंग तो इसका उत्तर तो यही है कि अण और अनन का जो समुदाय है वो समुदाय आदेश है ना उसका अवयव आदेश नहीं है समुदाय कमुदायक है, है और वो अण अन है तो सूत्र में तो यह री के स्थान में अण अण अन और अनन को अण अन नहीं कह सकते और उल्टा एक प्रश्न करते हैं इसमें कि यहां कैसे हो जाता है रपर आ और री के स्थान में जैसे आद गुणा लगाते हैं रिकार मात्र के स्थान में तो ये नहीं है जो खटवा और ऋष्य मात्र में तो आदेश नहीं हो रहा आ और री दो के स्थान में हो रहा है तो उरण रपरा कहता है री के स्थान में अणरफर होता है यहां आ और री के स्थान में अण हो रहा है उरण रपरा का क्या कहना है कि री के स्थान में अण और खटवा री इस स्थिति में खटवा और री आ और री आद गुणा से दो के स्थान में हो रहा है खटवारिष्य रिकार के स्थान में अन्न नहीं किंतु रिकार के स्थान में भी है और अन्य के स्थान में भी है हाँ तो यहां कैसे हो गया तो यहां उत्तर ये यह दे देते हैं कि जो दो दोष्ठी निर्दिष्टों के स्थान में होता है वो अन्य तरह से व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है ये न्याय बीच में आ जाता है और वहां क्यों नहीं होता रबर क्यों नहीं होता आकंग आदेश को वहां तो ये कहा है ना कि री के स्थान में अण यहां बात अलग है यहां तो ये कहा कि आ और री की जगह अण आदेश कर रहे हैं खटवा तो आ है ऋष्य तो री है इन दो, दो के स्थान में अण आदेश कर रहे हैं तो द्वयोष्ठी निर्दिष्ट हो लभते अन्यतर व्यपदेश जो जो दो दोष्ठी निर्दिष्टों के स्थान में होता है वो किसी एक के व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है माता के नाम से भी पुत्र को बता देते हैं पिता के नाम से भी बता देते हैं दत्त से पुत्रो देवदत्ता या पुत्रो तो इस तरह से री के स्थान में अण मान लिया जाएगा वो दो के स्थान में होते हुए भी वो एक के नाम से व्यपदेश को प्राप्त हो जाएगा पर जब हम ये कहते हैं में अण तो अण जो है वहां पर तो अण अन और अनन के जो समाहार है अण अन और अनन का जो समुदाय है उसको हम अण नहीं कह सकते इसलिए वो रप नहीं होता है ये दोनों में दोनों उदाहरणों में ध्यान देने की बात है तो आगे मैं बढ़ता हूँ इसमें किसी को कुछ पूछना दोष्ठी कैसे देख रहे हैं आपने बताया दोष्ठी नहीं खटवार है ना दो स्थानीय है स्थानी। पूर्व पर के स्थान में उसमें पूर्व से भी उपस्थित हो रहा है आद गुण अची आ रहा है और आत पंचमी है तस्माद उत्तरस्य उत्तर से उपस्थित होता है और तस्मी निर्दिष्ट पूर्व से भी उपस्थित होता है तो हम यू कहेंगे अवरणाद उत्तर से अचह और अचह पूर्व से अवर्ण से पूर्व पर स्थान है दोष्ठी निर्दिष्टों के स्थान में हो रहा है तो एक के एक के नाम से कह दिया जाता है तो अवर्ण से उत्तर जो री था उसको हमने मान लिया री के स्थान में हो रहा है पर ये जो आकंक वाली जो बात है कि भाई यहां रपर क्यों नहीं होता तो इसका उत्तर ये दिया जाएगा कि री के स्थान में मानी अकंग आदेश अनण होने से रफर नहीं होता ये उत्तर देंगे तो बोले अनण होने से रफर नहीं होता जो अण है वो क्यों नहीं होता अक में से जो अ है वो क्यों नहीं रफर होता तो बोले इसलिए नहीं होता कि आदेश नहीं है वो री के स्थान में अण आदेश आदेश नहीं है समुदाय आदेश है हाँ, अ को एक आदेश थोड़ी वो समुदाय आदेश है ये मैंने जो समाधान दिया पद्मजी कार ने दिया है जो आपके प्रश्न का उत्तर यदा अंगठी अली अनुसंग्रीता तदाने स्थान है तदा रप रहा रप रहा तदा, तदा ने काल न पुनः परावृत्त सर्वादेशयोजित वापिस परावृत्त माने लौट करके वैसे सर्वादेश कैसे होगा एक बार जब श्रृंखला में से गुजर गया और वो आदेश हो चुका तो परावृत्त वापिस लोट करके सर्वादेश नहीं होगा ऐसे कहा ना अनुपूर्विया सिद्ध ये शब्द मैंने बोला था अनुपूर्वी से सिद्ध होने से ऐसा हो जाएगा मानी सर्वादेश प्रसंग होने से सर्वादेश पाएगा अनुपूर्विया सिद्धे कहते अनुपूर्व सिद्ध हो जाएगा कैसे अंगस्य में जो षी है ना वो अंत्य अली अनुसंग्रहिता अंगस्य जो षी है वो अंत्यल में अंत्यस के साथ जुड़ करके अंत्यल में उसका उपसंघार होगा अनुसंघार मानी उपसंघार उसका जब अंगस्य है, तो अंत्यल में अनुसंघार हुआ उपसंहार हुआ तदाएम ऊ स्थाने, है यदा स्थाने, उ स्थान तदा रपरा जब के स्थान में हुआ तो वो रपर हो गया यदा रपरा तदा अनेकाल जब रपर हुआ तब अनेकाल बना तो परावृत्ति पुनः वापस लौट करके वो सर्वादेश कैसे होगा जब वो री के स्थान में आया है री के स्थान में आया है तब तो होगा ना आ, इतनी सी बात है कि री के स्थान में अकेला नहीं आता तीनों आते हैं बारी बारी से आ जाएंगे फिर तो पहले से लग चुका हाँ अलोते तो लग चुका है साथ में से लग लग चुका, है। चुका है फिर उसके बाद लग चुका है और लगने के बाद फिर रबर हुआ है रबर होने के बाद अनिकाल हुआ है तो अलंत हो चुका है तो फिर नहीं होगा अलंत ने अपना कार्य कर दिया तो फिर कैसे होगा हम्म कौन से में अकंग अकंग में तो गिंच लगेगा री के स्थान में अकंग आदेश होता है सौधातकी आदि वृद्धि सौधातकी में अण प्रत्यय और आदि वृद्धि सौ की हाँ जी बोलिए ये जो दोष्ठी निर्दिष्ट किए ये केवल करते हैं तभी क्योंकि बाकी सारे एकादेश जो होते हैं, नहीं, नहीं, हैं। एकादेश एक प्रकरण में दोष्ठी निर्दिष्ट हैं। सब है सब जगह पूरा उसमें सात एकादेश हैं वहां पर सात एकादेश एक गुण एक देश वृद्धि एकादेश एका और एंगी पर रूपम पर रूप आदेश अतो गुण इत्यादि पर रूप एक देश अकावर्ण दीर्घ सवर्ण दीरे का देश प्रथम सवर्ण पूर्व पूर्शावन दीर्घ का देश अमी पूर्वा पूर्व रूप एक देश और ऋतुत ऋतुत भी एक एक देश है ऋतुत ये भी एक एक देश है तो जहां पे भी एक आदेश हुआ वहां पे दो दोष्ठी इस प्रकरण में एकापूर्व पर एकापूर्व पर दोष्ठी निर्दिष्टों के स्थान में आदेश हो रहे तो उसको एक के नाम से कह सकते अलो सूत्र कह रहा है ष्ठी निर्दिष्ट या उच्चते आदेश अस अंत्य स्थान यहां पर वैसे और परिष्कार कर लेना चाहिए इस अर्थ का स्थान सष्टी निर्दिष्ट से स्थान सी निर्दिष्ट जो आदेश होते हैं वो अंत्यल को होते हैं इद जैसे पंच गौणी दस गोणी पंच भी गोणी भी क्रीता कैसे सिद्धि करेंगे गौणी जो होता है ना एक परिमाण का नाम है आजकल भी कहते हैं ना कि दस बोरी अनाज बीस बोरी अनाज सो बोरी अनाज गोणी के अर्थ में बोरी बोलते हैं, हाँ, लगभग 100 के जी को कह देते हैं, पहले मन के हिसाब से कहते थे ढाई मन है पहले लोग जो है ना बोरी को जो शक्तिशाली होते थे तो बोरी को ऐसे पकड़ करके ऐसे ऊपर उठा करके बिना किसी की सहायता से और ऐसे कंधे के ऊपर अपने कंधे के ऊपर रख लेते थे तो बहुत शक्तिशाली माना जाता था उस व्यक्ति को जो बोरी को ऐसे उठा करके अपने कंधे पर रख लेता था तो अल अंत्य निर्दिष्ट या उच्चतः आदेश स्थान है ष्टी निर्दिष्ट को जो आदेश कहा वो अंतिम अल के स्थान में जानना चाहिए इद इसकी सिद्धि कर रहा हूं पंच भी गौणी भी क्रीता पांच गोणी उसे खरीदा कोई वस्तु भी चलता था पहले बहुत ज़्यादा तो पांच गोणी देकर कुछ ले लिया उसने वापस बदले में तो पंच भिस गौणी भिस और प्रत्यय आया आराध अघोभुत संख्या परिमाण ठग होता है और आ है। आ। आ करके में परे रहते समाहार गम्यमान हो तो संख्यावाची और दिशावाची का समास हो जाता है तो यहाँ पर संख्यावाची है ना पंच इसका समास हो गया गौणी शब्द के साथ और समास होने के बाद प्रातिपदिक संजय होगी कृत्या धातु प्राप्ति जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है भिस पंच भिस गोणी भिस उसका लुक हो गया पंचन गोणी पंचन के न का लोपा प्रातिपदिक अंतर से पंच गोणी और आगे जो प्रत्यय आया था ना उसका अध्यपूर्व द्विगोलुक संजय है द्विगु है ना संजय संख्या पूर्व द्विगु तद्धितार्थोत्तरपद पद सूत्र से जब समास होता है दूसरे दय का पहला पाद तद्धितार्थोत्तरपद पद समाह पचास नंबर सूत्र है ना उससे जब समास होता है तो अगला सूत्र संख्या पूर्व द्विगु संख्या पूर्व वाला जो समास है वो द्विगु हो जाता है और द्विगु होने से अध्यर्ध पूर्व द्विगोलुक संजय पांचवे दह के पहले पाद में ये सूत्र है अट्ठाईस उनतीस नंबर सूत्र है तो उससे फिर ये प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो इस तरह से पंच गोण ईद गोण्य तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है लुक्त दिलुकी तो उसकी प्राप्ति में अगला एक सूत्र लुक तदिलुकी दूसरे पद का सूत्र पहले देगा फिर उसके नीचे, लुक तद्धित लुकी उसके नीचे ईद गोण्या तद्दी लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है ईद गोणिया ने कहा तद्दीर लुक होने पर गोणी शब्द को हरस स्वीकार आदेश होता है दीर्घकार की जगह हरस्वीकार हो गया स्थान स्थानी निर्दिष्ट है गोणी तो उसके अंतिम अल को होगा सिद्धांत गोमदी में अर्थ यही दिया है स्थान सी निर्दिष्ट या उच्चते आदेश इन्होंने सुधार कर दिया है न्यासकार ने कहते यद्य सामान्य निर्देश किया है षठी निर्दिष्ट से ऐसा कहा है फिर भी ष्ठी स्थान योग अधिकार के कारण स्थान सदिष्ट से अर्थ का परिष्कार कर दिया नीचे कि स्थान सी निर्दिष्ट से अन्यथा टित कित मितो भी अवय संबंध सष्ठी निर्दिष्टा विधि माना इसमें दोष क्या आएगा कोई कहेगी इसको स्थान सष्ठी ना कहे और इतना ही कह दें कि ष्ठी निर्दिष्टा से उच्चते या ऐसा सीधा ऐसा ही कर दे तो क्या दोष आएगा बोले दोष यह आएगा कि जो टित कित मित होते हैं ना वो अवैव संबंध सष्ठी विधि माना अंत्य अवैव संबंध संबंधी अवैव संबंध जो षी अवैव संबंध होता है एक अवैव अवैवी भाव को बताने के लिए ष्ठी आ जाती है तो अवैव संबंध सष्ठी निर्दिष्ठा विधियमाना अंत्य को होने लगेगा क्या गड़बड़ होगी अलो अंत्य बैठेगा फिर तित कहने से आदि में बैठेगा और ये परिभाषा के कारण से अंतिम अल पहुंच जाएगा अंतिम अल के आदि में ही होने लगेगा यदि स्थान सामान्य रूप से हम सामान्य रूप से यदि ये सूत्र का अर्थ करेंगे ष्ठी निर्दिष्ट से उचित आदेश ष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश कहा अंत्यल के स्थान में जाना चाहिए तो ये ष्ठी निर्दिष्ट जो है सामान्य मान लें यदि स्थान सी निर्दिष्ट नहीं माने तो अवय संबंध के लिए जो षी निर्देश होता है वहां पर भी वहां पर भी अलो उपस्थित हो जाएगा हाँ, सूत्र की अति व्याप्ति हो जाएगी तित -कित में सार्थक हो जाएगा ना उसके आदि में बिठाएंगे उस अंतिम अल के आदि में बिठाएंगे तित -कित मित कहां पर होंगे ये अंतिम अल को कहेगा वो अंतिम अल के आदि में कहेगा इसीलिए तो कह रहे हैं नहीं करना तभी तो सूत्र का अर्थ सही करना चाहिए स्थान सृष्टि निर्दिष्ट तो ये जो है हो गया लोनते से अपना इद गुणिया पंच गुणी दस गुणी ऐसा हो गया आदेश तो देखो ऊपर से बता देता हूं ये चार सूत्रों की व्यवस्था ये आदेश का नियमन करने के लिए सूत्र है चार अलोन्तस गिच्चा आदेश पर निकाल से सर्व आदेश की व्यवस्था करने के लिए जैसे आगम व्यवस्था के लिए आद्यन तो, तो, तो परा है दो सूत्र हैं और आदेश व्यवस्था के लिए ये सूत्र चार और स्थान संबंध का लाभ कर, प्राप्त कराने के लिए ष्ठ स्थान होगा परिभाषा सूत्र है तो ये चार सूत्र क्या करते हैं आदेश कभी तो ऐसा होगा जो एकल होगा कभी अनेकल होंगे कभी सीत होंगे कभी गीत होंगे ऐसे आदेश को ध्यान में रखना है तो जब आदेश एकल होगा तो अलवते लगेगा जब आदेश गीत होगा तो गीत लग जाएगा गीत से वही लगेगा जहां अनेकल वाला आदेश है क्योंकि अनेकाल से सर्वस्व का अपवाद बनाया गीत से को अनेकाल अंश का अपवाद बनाया अनेकाल आदेश जब वो सर्वस्व संपूर्ण के स्थान में अनेकाल आदेश होने लगा तो उसमें एक सिंबल तय कर लिया कि भाई गीत आदेश जो होगा वो अंतिम होगा अनेकाल होते वे भी यदि गीत कर दिया तो वो अंतिम होगा और अनेकाल और शीत होंगे तो संपूर्ण को होंगे जैसे जसो शी जस इत्यादि शी शीत होंगे तो संपूर्ण के स्थान में होंगे और उत्तर को कार्य करके और फिर आदेश एकल वाला कोई आदेश विधान किया जाएगा जैसे ई दासा आस से उत्तर आन को ई होता है दो तरह के आदेश हैं ध्यान में देना जैसे दिव औ के पर रहते दिव को औ होता है यहां तो अलंतेस लग जाएगा और जब हम यू कहेंगे आस से उत्तर आन को ई होता है आस से उत्तर उत्तर कह करके परस्य कार्य में उच्चते तदा आधे अलास्था ने बोती आस से उत्तर आन को ई होता है तो अब अल नहीं लगेगा तब आदे परस्य व्यवस्था करेगा इसीलिए वहां पर आता सूत्र है ना अजंत उपसर्ग से उत्तर कहा है तकारा देश के आदि में होना चाहिए तो उसकी व्यवस्था करने के लिए अचय की आवृत्ति करते हैं अलग प्रयत्न करते हैं अचुपसर्गता सूत्र सातवें अध्याय के चौथे पाद में है ना अजंत उपसर्ग से उत्तर अजंत उपसर्ग से उत्तर जैसे अवत्तम प्रतम अजंत उपसर्ग है अव प्र उससे उत्तर दा धातु है तकारादि कित परे है ना तक परे है तो धातु दा के आ को आ को दा के को के द ही पाएगा जब आप कहोगे अजंत उपसर्ग से उत्तर दा को तय होता है तो आधे परस से द के स्थान में तय पाएगा अजंत उपसर्ग से उत्तर तो उन्होंने ये कह दिया और यदि दय के स्थान में तय हो जाए तो अवत्तम रूप नहीं बनेगा फिर अवतातम ऐसा बनेगा अवतातम ऐसा बनेगा फिर दादातु थी ना उसके को तय कर दिया तो अवतातम बनेगा अवत्तम चाहिए अवतातम रूप बनने लगेगा तो क्या किया इति अचर्तव्यम अजंत उपसर्ग से उत्तर अच के स्थान में तकार आदेश होता है तो इसलिए आ को तय कर दिया फिर खरीचे से को तय कर दिया अवत्तम रूप बन गया तीन तकार हो गए एक तकार बीच वाले का लोप भी कर सकते विकल्प से झरो जरी सवर्ण हल से उत्तर झर का लोप सवर्ण झर पर मोटी मोटी व्यवस्था है आनंद ऋतो एक सूत्र है और अनंग आदेश होता है आनंग पूर्द आनंद रिकारांतु के द्वंद में पूर्व पद को आनंग होता है उत्तर पद परे रहते तो होता पोतारो में पोता उत्तर पद परे है तो होत्री शब्द को आनंग हो गया होतान आनंग का गये तो हलंतम और नए में जो आकार है ना वो उपदेश जन्ना चला जाएगा होतान और माता पितरों में मातान और न का नलोबा प्रातपदिकांत से माता पितरों बन जाएगा और होता पोतारो में होता पोतारो ऐसा बन जाएगा तातंगी गीत कर्ण से तातंग में जो गीत करण है वो सावकाश है गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थ है सर्वादेश दूसरी उठाई कि भाई जब आप कह रहे हो कि गीत आदेश अंतिम अल को होता है तो ये तातंग को तो अंतिम के स्थान में नहीं करते तातंग आशीष अन्य तरह सातवें अध्यय के पहले बाद में है ना तातंग, ये वाला तातंग तो पूरे के स्थान में कर देते हो यहां तो अंतिम के स्थान में नहीं करते इसमें कारण है तातंग में जो गीतकरण है वो सावकाश है गुण वृद्धि पर करने के लिए चरितार्थ हो गया है जैसे मृष्टात यहां मृजेर वृद्धि से वृद्धि पाती थी उसका मना कर दिया और दूसरा है चिनोतात गुण का निषेध कर दिया तातंग के पर रहते चिनोतात में गुण नहीं हुआ तिप के स्थान में तू हुआ एरु और तू को तातंग हो गया तो सर्वादेश तातंग बहुत इसलिए तातंग सर्वादेश हो जाता है जीवतात भवान जीवतात्व जीते रहो ऐसे कहते हैं नीवतात् तो भवान जीवतात्व भगवान जो बोलेंगे तो दू के स्थान में होगा तुम बोलेंगे तो ही के स्थान में होगा मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि तातंग सावकाश है वृद्धि प्रतिषेध में चरितार्थ है और जब गुण वृद्धि प्रतिषेध करने के लिए उसका काम पूरा हो गया तो कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि भी लगने लगे और अनेकाल सर्वस्व भी लगने लगे तो से अनेकाल से सर्वस्व लग जाएगा उसका प्रयोजन यदि आचार्य अंत्यादेश चाहते होते ये भी एक बात दी है महावास में तो तुस्तातंग सूत्र ना बना करके ए रू सूत्र है ना लोट तो वहीं पर कह देते तू तू और ही के को विकल्प से तात होता है ऐसा कह देते यदि आचार्य को ऐसा ही इष्ट होता कि वो ये सब करने की क्या जरूरत थी उनको तातंग करने की गिनत करने की भी जरूरत नहीं थी तो सूत्र बना देते तू और ही के तू तुस् ता अन्य तरस्याम तातंग आशीसी अन्य तरस्याम आ बना दो अन्य तरस्याम बना दो सब चीज बना दो पर एक तो गीत करने की जरूरत नहीं थी और एक लादेश प्रकरण में इस सूत्र को रख लेते लादेश प्रकरण में एरू के नजदीक रख लेते जैसा कि वो करते ही हैं एरू बनाया फिर कहीं उसके आसपास जो करने कार्य वो वहीं पर किए लादेश प्रकरण में तो तु तू और ही के तीसरे दे का चौथा पद है ना लादेश प्रकरण वहां पर ही इसको रख देते तो तू और ही के ई के स्थान में तात होता है ऐसा कर देते ऐसा तो किया नहीं तो इससे पता लगता है आचार्य का अभिप्राय कि वे तातंग नहीं चाहते, तातंग को अंत्यादेश नहीं चाहते अंतिम के स्थान में आदेश नहीं चाहते आदि पर कार्य शिष्य मनम आदि प्रत्येतव्यम प्रत्येतव्यम बोधव्यम ज्ञातव्यम परस्य कार्यम शिष्यते यदेश पर कार्य कहाँ कहा है जहाँ पंचमी हो जैसे ईद आसा आशीनो यजते आशा पंचमी है जंतुपसर्गेभ्यो क्व पर कार्य शिष्यते यत्र पंचमी निर्देश जहाँ पंचमी का निर्देश है उदाहरण एक और देते हैं उपसर्ग उपसर्गे भ्यो अपईत द्वीप अंतर उपसर्ग इनसे परे अपको ईत होता है तो अपको ईत कहां पर होगा अप के आदि में होगा तो द्वीप और को ई हो गया तो द्वीप बन गया और ये पै जो है अब तो पै हलंत होता है और ये दीपम पूरा आकार कैसे है हा? पता चल रहा है पीछे वालों को यहाँ पर ना समासांत प्रकरण का एक सूत्र है वो बोलना चाहिए अनक्षे समाशांत प्रकरण है अष्टाध्यायी को प्रकरणों में अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि किस प्रकरण का कौन सूत्र है एकादेश प्रकरण है समासांत प्रकरण है तद्धित प्रकरण में से कौन सा प्रकरण है प्राग दिव्यतीय प्रकरण है शैक्षिक प्रकरण है या प्रागृति प्रकरण है आहरीय प्रकरण है प्रकरण है प्राग दिशीय प्र... न... वहां पर प्राग दिशो विभक्ति प्राग दिशीय प्रकरण है और वो तरपतम प्रकरण है बहुत सारा प्रागिवाद का प्रागिवीय प्रकरण है तो अष्टाध्यायी पूरी प्रकरणों में विभाजित है उन प्रकरण को हमारे मीमांसा में अधिकरण कहते हैं पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदांत में अधिकरण कहते हैं जैसे पूर्व मीमांसा शास्त्र अधिकरणों में बटा हुआ है लगभग 900 से ज्यादा अधिकरण है और वेदांत में भी लगभग 200 सौ अधिकरण है तो अधिकरणों को ही प्रकरण कहते हैं तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि संज्ञा प्रकरण परिभाषा प्रकरण तो अष्टाध्यायी में भी बहुत सारे प्रकरण है थोड़े नहीं है बहुत ज्यादा प्रकरण है तो उसको दिमाग में रखना चाहिए और ऐसा यदि हम देखते हैं तो उन शास्त्रों को अच्छा भी समझते हैं, जो लोग ऐसे प्रकरणों के अनुसार पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा को पढ़ते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा समझते हैं अपनी इस परंपरा में प्राय उस प्रकरण के ऊपर फोकस नहीं है पूर्व मीमांसा को तो पढ़ते ही नहीं ना यहाँ और पूर्व मीमांसा में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी आर्य समाज में प्रकरणों के अनुसार यदि ध्यान दें पूर्व मीमांसा को तो फिर भी प्रकरण में देख लेते हैं पर उत्तर मीमांसा को तो बिल्कुल ही प्रकरण से अलग कर दिया वेदांत को जो है उसको प्रकरण में नहीं देखते हैं तो प्रकरणों से देखने से बहुत ही अच्छा है कि ये कौन से प्रकरण का क्या सूत्र है किस प्रकरण में ये बात कही है द्वीपम अंतरीपम प्रतीपम समीपम अनेकाल सिद्ध सर्वस अनेकाल यह आदेश सर्वस निर्दिष्ट स्थानी अनेकाल जो आदेश और शीत आदेश संपूर्ण सष्टी निर्दिष्ट होता है जैसे अस्तेर भू भविता भवितुम भवितव्यम यहां पर एक बात पूछी जाती है कि ये जस के स्थान में जो शी आदेश कर रहे हो इसकी क्या हो सकता है शीत आदेश ये अनेकाल सर्वस्व सूत्र से ही हो जाएगा काम बोले कैसे हो जाएगा बोले लशकव देश सीत संजय अभी जो मैं सुना रहा था ना वही कहानी अभी लगेगी अनेकाल सिद्ध सर्वस्व सूत्र में सिद्ध कहने की क्या आवश्यकता अनेकाल सर्वस्वी बोलिए बोले हमें चाहिए जस सी जसा सी तो बोले हो जाएगा ना नेकाल सर्वस्व कहने से ही कैसे हो जाएगा बोले शी आदेश यदि अंत के स्थान में करोगे ना अलोअ्य से अंत के स्थान में करोगे तो ये प्रत्यय नहीं होगा प्रत्यय नहीं होगा तो इत संज्ञा नहीं होगी इत संज्ञा नहीं होगी तो ये अनिकाल रहेगा अनिकाल होगा तो ये सर्वादेश होगा सर्वादेश होगा तो प्रत्यय संज्ञा होगी प्रत्यय संज्ञा होगी तो फिर इत संज्ञा होगी और एक संध्या होगी तब तो ये हो चुका है तो इस तरह से शीत व्यर्थ हो जाता है और जैसे हमने देखा कि भाई तो व्यर्थ हो रहा है यहाँ तो ऐसा आचार्य भी तो देख रहे हैं जितनी बुद्धि हमारी है उनकी भी है, है? हाँ बोलिए शी जब कहेंगे तो आने काल होगा शी जब बोलेंगे काल होगा आदेश हाँ तो अभी तो कह रहा हूँ काल सर्वस्व हो जाएगा हाँ। अनेकाल सर्वस हो जाएगा सिद्ध की आवश्यकता नहीं तो का कर रहे हैं तो प्रत्येक तो नहीं आएगा प्रत्येक के बाद नहीं आएगा प्रत्येक वैसे ही चाहते हैं ना अनेकाल सर्वस संपूर्ण अनेकाल जस सस के स्थान में शी चाहते हैं तो शी जब शकार के सहित देखेंगे तो अनेकाल है और शकार के सहित ही देखना पड़ेगा सह की संज्ञा तो हो ही नहीं सकती प्रत्यय नहीं है प्रत्यय आदि की संजय होती है प्रत्येक स्थान में जब बैठ चुकेगा ना तभी संजय होगी तो खंडन हो गया इसका शीत का शीत अनावश्यक हो गया प्रयोजन रहित हो गया फिर भी शीत पढ़ा है इसका मतलब आचार्य ये देख रहे हैं कि अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं देखी जाती किमें दस या इस ज्ञापन का प्रयोजन क्या है स्वार्थ में एक अन्यत्र स्वार्थ में प्रयोजन तो यह है कि शीतकरण सार्थक होता है जब अनुबंध के द्वारा निकालता नहीं देखेंगे तो ये जो जसो शी होगा ना ये एकल माना जाएगा जस जा शि या जसो शी एकल आदेश माना जाएगा तो एकल आदेश होगा तो अंतिम अल को होने लगेगा अनुबंध के सहित अनेकालता नहीं देखी जाती नानुबंध कृतम अनेकालम अनुबंध के द्वारा निकालता नहीं देखी जाती जब अनुबंध के द्वारा निकालता नहीं देखी जाती तो क्या होगा शिथ करना आवश्यक होगा क्योंकि जब वो अनेकाल नहीं है तो फिर वो सर्वादेश करने के लिए तो कोई उपाय करना पड़ेगा तो कहेंगे कि सिद्ध सर्वस्व और अन्यत्र फल क्या है जैसे ईदम के स्थान में ईश होता है तो पूरे के स्थान में हो जाएगा अष्टाभ्या जस सस को जो वहां तो घर स्थित हाँ औष जो है अनुबंध के द्वारा निकालता तो मानेंगे नहीं तो अष्टाभ्या जस सस को औष आदेश कहा है अष्टाभ्या सातवें पहले पाद में है ना जस सस को औष कहा है जस सस के स्थान में औष कहा है तो वो सिद्ध हो जाएगा हम्म कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्य तिष्ठन्ति तो प्रथमा का बहुवचन है पश्य के कारण द्वितीय बहुवचन गुरु जी अन्यत्र फल क्या होगा अन्यत्र फल है ना अष्टाध्या औष में जस के स्थान में औष हो गया तो वहां पे शीत भी तो है शीत कर तो फल है तो शीत भी तो है शीत कहना है सर्वादेश हो गया है ना नानुबंध कृत में निकालतम तो अनुबंध के द्वारा निकालता होती नहीं ये नियम निकल गया ना तो फिर अन्यत्र फल भी हो गया कि शकार के रहते हुए निकालता नहीं मानी जाएगी तो अनिकालता के कारण से नहीं हो रहा है सर्वादेश के कारण हो रहा है सूत्र में इसलिए शिथ पड़ा है ये सार्थक हो गया ना शीत तो शीत के कारण से वो हो रहा है ज्यापक बन गया ज्यापक कैसे नहीं बना ज्यापक तो किसी बात के व्यर्थ होने से आचार्य जब हम आचार्य की ये बात देखते हैं कैसे नहीं बना बोलो बोला इस, इस में जब वहां पे देखेंगे तो वहां पर तो शीतकर्ण सार्थक हो जाएगा नहीं जसोशी जस की बात है इदम इस तो अलंतम हो ही जाएगा इत संजय तो सकारित होने से वो शीत भी सर्वादेश के स्थान पे हो जाएगा शीतकरण व्यर्थ नहीं होगा नहीं ये हो तो बाद की बात है ना हम ज्यापक को इदम इस में नहीं दिखा रहे हैं हम ज्यापक दिखा रहे हैं जस ससोसी में, जस में इस जस ससोसी में सकार इत संज्ञा क्यों की है क्योंकि उस सकार की इत संज्ञा पहले हो ही नहीं सकती आदेश होने के बाद ही होगी तो जसाशी का, का। आदि वाला जो है ना वो नहीं हो पा रहा है अंतिम वाला तो हो ही जाएगा अंतिम वाले को हमने ज्ञापक के रूप में नहीं प्रस्तुत किया आदि वाले सकार की इत संज्ञा नहीं हो सकती और जब अनेकाल मानकर के आदेश हो ही जाते हैं तो इसमें भी हो जाएगा अष्टाव्य उसमें भी हो जाएगा यदि अनेकाल को देखते हैं तो सर्वत्र यदि परिभाषा ना हो ज्ञापक ना हो नानुबंध कृतम अनेकालम तो सभी अनेकाल है, सभी अनेकाल सर्वादेश अपने आप ही हो जाएगा अनेकाल मानकर शीत व्यर्थ हो रहा है फिर भी शीत किया इसका मतलब नानुबंध कृतम अनेकालम अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं मानी जाती इससे शीत सार्थक होगा और अन्यत्र फल वही हो गया अनुबंधों के द्वारा अनेकालता नहीं देखेंगे हाँ जी फिर तिप को नल कैसे करेंगे मतलब नल हाँ को नल करेंगे वो तो अनेकाल होने से हो जाएगा न, नल में तो एक ही हाल रहता आ। नहीं उसकी वो इत संज्ञा नहीं हो पा रही है ना, ना सूत्र से संज्ञा नहीं हो पा रही है में भी तो नहीं हो पा रही वो तो ठीक है बिल्कुल नहीं हो पा रही वो तो ठीक है तो इसी को तो लेकर के कह रहे हैं कि नहीं हो पा रही तो अनेकाल बन जाएगा अनेकाल बन जाएगा तो सर्वादेश हो जाएगा शीतकर्ण व्यर्थ हो रहा है फिर भी सिद्ध किया है इसका मतलब नानुबंध कृतमिकाल ऐसा देख रहे हैं आचार्य अनुबंध के द्वारा निकालता नहीं होती है अब रही बात नल की तो नल में नल में जो न है उसकी संज्ञा कैसे करेंगे हम चुटू से करेंगे चुटू तब कर लगेगा जब प्रत्येक आदि चवर्ग टवर्ग हो प्रत्येक आदि कब बने जब पूरे तिपकीय जगह आकर के बैठे पूरे तिपकी जगह आकर कब बैठेगा जब वो हम्मकाल हो तो कह रहे हैं तिपकी जगह आकर के जब वो बैठेगा तब वो प्रत्यय बनेगा प्रत्यय बनेगा फिर इत संज्ञा होगी इत संज्ञा होगी तो तब इत संज्ञा हो चुकी होगी मतलब जब आ चुका है तब उसकी इत संज्ञा होगी उससे पहले तो इत संज्ञा हो नहीं रही है शित को व्यर्थ कहा बता रहे हैं व्यर्थ अनेकाल सर्व सूत्र के सापेक्ष की आवश्यकता नहीं है क्यों अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा अनेकाल होने से हो जाएगा इसलिए शीत की आवश्यकता नहीं तो उसका प्रयोजन हम इधमेश में दे, दे दें तो, तो। हाँ इधर इसमें देखेंगे तो यहाँ भी मतलब अनेकाल मान के कर लेंगे हाँ कर तो लेंगे पर अब तो ये कह दिया ना कि अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं होती वो तो हलंतम से संजय हो जाती है पर यहाँ तो हलंतम लग नहीं सकता ना हलंतम केवल एक में ही लगेगा नल के लय की तो संज्ञा कर देगा वहां तो कोई समस्या नहीं है पर नये की संजय नहीं हो पा रही है तो एक समाधान तो ये भी है और भी समाधान देते हैं कि पर सिंपदाना मंडल अतुष में जो है दो आकार मान लेंगे प्रश्निष्ट निर्देश मान लेंगे परसिंपाना नल में अनुबंध हटा करके और दो प्रश्लिष्ट आकार है तो अनेकाल हो जाएंगे अनेकाल से सर्वस हो जाएगा अलग समाधान इससे अलग ओ शांति शांति शांति